नमस्कार दोस्तों, रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये 12 इंची का स्पीकर रिपेयर के लिए आया है। कस्टमर का कहना है कि 12 इंची का स्पीकर बजते बजते अब ये बंद हो गया है। कुछ दिन पहले स्पीकर उसका चल रहा था, लेकिन अब ये स्पीकर नहीं बज रहा है। ये 12 इंची का 135 मैगनेट का स्पीकर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखते हैं ये स्पीकर ठीक है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाकर इस स्पीकर की कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। यह कंटिन्यूटी, ये स्पीकर की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है स्पीकर में कुछ कमी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है हमें दोस्तों, इसकी कैप को उतार के इसकी जो वॉइस कोयल की जो सोल्डिंग करी हुई वायरिंग होती है उसको चेक कर लेंगे कि वायरिंग तो ख़राब नहीं है या कोयल का तार कोई हट गया हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका 12 इंची का जो कैप लगा हुआ है इसको उतार लेंगे। किसी ब्लेड या किसी चक्कू की मदद से पहले हम इस कैप को उतार लेंगे। तो मैंने चक्कू का उपयोग किया है दोस्तों, चक्कू से इस कैप को उतार लेंगे। धीरे धीरे इस कैप को चारों तरफ से उतार देते हैं। तो कैप तो हमने उतार दिया दोस्तों, अब हम देखते हैं कोयल। दोस्तों देखो, ये कोयल फूकी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी जो वॉइस कॉइल है ये फूकी हुई है। ये स्पीकर हमारा बिल्कुल नया है दोस्तों, इसलिए हम स्पीकर को पूरा रिपेयर ना करके केवल इसकी वॉइस कॉइल को ही चेंज करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, किसी पेचकस या किसी चक्कू की मदद से इसकी वॉइस कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, पेचकस की मदद से इसकी वॉइस कॉइल को आराम आराम से निकाल लेंगे। इस पेचकस को बहुत ही आराम से इस कोयल पर धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। पेचकस थोड़ा इस तरीके से लगाना है दोस्तों कि जो हमारा ये पेपर है ये पेपर फट ना जाए और कोयल आराम से निकाल लें हम। इसकी वॉइस कोयल की जो फूकी हुई वायर है इसको धीरे धीरे हम करके मैग्नेट से निकाल लेंगे। इस कोयल की पूरी वायर निकालने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे कि इसके अंदर कुछ फूके हुए कॉपर के वायर ना हो। तो इसकी वॉइस कॉइल को हमने धीरे धीरे सफाई कर ली है। इसकी वॉइस कॉइल निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो पेपर के ऊपर चारों किनारे ऊपर एरेलाइट लगी हुई है, इसे किसी चक्कू से या किसी ब्लेड से इसे पेपर को आराम आराम से साफ़ कर लेंगे, जिससे कि हम दूसरी कॉइल को आराम से लगा सकें। इस चक्कू की मदद से देखो दोस्तों, पेपर के चारों किनारों की जो एरेलाइट लगी हुई है तो धीरे धीरे साफ़ कर लेंगे, जिससे कि हम वॉइस कॉइल को आराम से लगा सकें। ये चारों किनारियों को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। इसके बाद वॉइस कॉइल को लगा के देखेंगे ये हमारी ठीक तरीके से इसमें लग रही है नहीं लग रही है। तो वॉइस कॉइल को एक बार गोल कर लेंगे अपने सेल की मदद से। इसकी गोलाई बिल्कुल प्रॉपर ठीक करके इस कॉइल को लगा के देखेंगे कि कॉइल ठीक तरीके से लग रही है नहीं लग रही। अगर लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लग रही तो उसे ब्लेड से और साफ़ करेंगे। तो एक कोयल हमारी ठीक तरीके से लग नहीं रही है दोस्तों, तो ब्लेड से थोड़ा सा और साफ़ करेंगे इसकी किनारियों को। ये किनारे को जब तक साफ़ करते रहना है दोस्तों, जब तक वॉइस कॉइल हमारी ठीक तरीके से लग ना जाए। तो अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद दोस्तों एक बार फिर वॉइस कॉइल को लगा के देखेंगे कि ठीक तरीके से लग रही है नहीं लग रही। देखो दोस्तों, वॉइस कॉइल अब हमारी ठीक तरीके से लग गई है। जो हमारी वॉइस कॉइल की जो कॉपर की वायर है ये, इसे जहाँ सोल्डिंग करते हैं उसकी तरफ को निकाल कर इसे एक बार चला के देख लेंगे ये कॉइल हमारी ठीक तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कहीं ये पेपर में रगड़ तो नहीं खा रही। कॉइल लगाने के बाद दोस्तों हमें इसमें बोन टाइट जो हमारी गोंद है फास्ट ट्यूब, इसके किनारियों पर कोने कोने पर लगा देंगे मिलाकर। ये हमारी बोन टाइट की फास्ट ट्यूब है ये। इन दोनों फास्ट ट्यूबों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये दोनों फास्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से हम निकाल कर आपस में मिला के कोयल के चारों किनारों पर आराम आराम से लगा देंगे। इसे लगाने से क्या होगा दोस्तों, जो कोयल और पेपर का जो बीच का जो जोड़ है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर जब स्पीकर हम बजाएंगे तो स्पीकर में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी।
तो इस बोन टाइट को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बोन टाइट मिलाने के बाद दोस्तों जो जो कॉइल है हमारी वॉइस कॉइल, इसकी किनारियों पर और पेपर पर अच्छी तरीके से हम इसको मिलाकर लगा देंगे। इसके चारों किनारियों पर अच्छी तरीके से इस वॉइस कॉइल में लगा देंगे। इसके चारों किनारों पर बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना होगा हमें। जब दोस्तों ये वाली जो हमारी फास्ट ट्यूब है, जब ये गोंद हमारी चारों तरफ से लग जाए तो उसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना होगा, जिससे कि जो हमारी कॉइल और पेपर और स्पाइडर है इसे अच्छी तरीके से यहाँ चिपक जाए। ये चारों किनारियों पर अच्छी तरीके से हमने स्पीकर की गोंद को लगा दिया है इसको। इसे लगाने के बाद दोस्तों जो हमारी कैप जो हमने उतारी है इसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे, जिससे कि हम दूसरी कैप बाद में लगा सकें। तो इसको भी किनारियों को भी साफ कर लेंगे हम। ये जो हमारी पुरानी कैप है इसे भी हमने अच्छे तरीके से साफ कर ली है। देखो दोस्तों कुछ देर बाद हमारा ये जो स्पीकर है ये गोंद हमारी अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। इसे एक बार चला के देख लेंगे हमारा ठीक तरीके से प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है स्पीकर। वॉइस कॉइल को सूखने के बाद दोस्तों हमें नहीं होगी, तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें वायर को अच्छे साफ कर लेंगे। इस वायर को साफ करने के बाद दोस्तों हमें इस पर पेस्ट लगाकर, जो हमारी कनेक्शन वायर है इस पर पेस्ट लगाकर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारी सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस पर हल्का हल्का था पहले थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद इस पर सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग थोड़ी अच्छी तरीके से करना है दोस्तों। ये वॉइस कॉइल के कनेक्शन हमने अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दी है। इसी प्रकार हमें दूसरी वाली वायर के भी कनेक्शन करने होंगे। इस पे भी पहले अच्छी तरीके से पेस्ट लगा देंगे। और पेस्ट लगाने के बाद इस पे सोल्डिंग अच्छी तरीके से कर देंगे। जब दोनों वायरों पर हमारी अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाए दोस्तों, तो इसके बाद हम इस पर कोई बोन फिक्स या आयरन लाइट या जो हमारी ब्लैक गोंद होती है इसको हम इस पर लगा देंगे इन वायरों पर। हमारे पास ये ब्लैक गोंद है, हमने इस पर ब्लैक गोंद लगा दी है इन वायरों पर, जिससे कि ये बार बार टूटे नहीं यहीं से वायर। इस पर चारों तरफ अच्छी तरीके से ब्लैक गोंद भी लगा देंगे दोस्तों, जिससे कि इसकी पकड़ अच्छी मजबूत हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जब थोड़ी सी ये गोंद सूख जाए तो उसके बाद जो डस्ट कैप है इस पर डस्ट कैप लगा देंगे। डस्ट कैप को भी अच्छी तरीके से हम इस पर चिपका देंगे। अब ये डस्ट कैप भी हमारी इसमें लग चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा स्पीकर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिना कोन चेंज करे हमने इसको रिपेयर कर दिया है, बिल्कुल नए की तरह ही स्पीकर ये रिपेयर हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने थोड़े से वाइट वूमर डाल दिए हैं, जिससे हम स्पीकर को टेस्ट करके आपको दिखा सकें कि स्पीकर अब किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके लिए हम इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाते हैं दोस्तों कि स्पीकर ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
देखिए दोस्तों, तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।